डीएपी यूरिया खाद की कमी के चलते जिले भर में किसान परेशान हैं, जिसको लेकर गुना जिले में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आगामी रबी फसल के लिए किसानों को डीएपी यूरिया खाद की कमी हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों को उचित मात्रा में निःशुल्क खाद बीज का प्रबंध किया जाए, जिससे किसान समय से अपने खेतों में फसलों की बोनी कर सके। साथ ही जगह जगह वितरण केंद्रों पर पैसे लेकर खाद देने की शिकायत मिल रही है, उस पर जिला कलेक्टर उचित कार्रवाई करें। पूरे मध्य प्रदेश में डीएपी खाद, यूरिया खाद, जबकि हमारे यहाँ एनएफएल है, और खाद प्राइवेट जितने लाइसेंसधारी हैं, बिना लाइसेंसधारी, उनके पास उपलब्ध है। डीएपी कई भाव में, उनके डेढ़ गुने दुगने भाव में मिल रही है, और साल भर में दुगने पे भी देते हैं ऐसे काफ़ी लोग। आज आम आदमी पार्टी ने डीएपी यूरिया की उपलब्धता के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है, निवेदन किया है कि किसानों की बोनी का समय आ गया है, खेतों में बोनी के लिए तैयार हैं, लेकिन डीएपी के लिए लोग तरस रहे हैं। राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान में कहाँ से डीएपी आ रही है अगर गुना में नहीं आ पा रही। तो यहाँ इतने नेता हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं सिंधिया जी, क्यों नहीं लोगों को पैसे देने के बाद उनको डीएपी या यूरिया खाद उपलब्ध उनके दामों पर नहीं मिल पा रहा, इसकी सुनिश्चितता व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया है। और इस पर तरीके से रोकथाम लगने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते कोटा से, बाहर से, अन्य जिलों से, गुना के अंदर लोग, बड़े बड़े व्यापारी डीएपी यूरिया लेके आ रहे हैं। आखिर वो क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, इस पर हमारा कहना है कि प्रशासन उनको जांच करे और इन पर कार्रवाई करे, और जहाँ जमाखोरी है उन पर कार्रवाई करे, किसान को खुली खाद उपलब्ध करवाए और हर जगह उपलब्ध करवाए, हर विधानसभा। धन्यवाद। जय हिंद।